ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, स्कॉर्पियो ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी है, सबसे पहले कार्ड आ रहा है सेक्सुअलिटी, इंट्यूशन, रिफ्लेक्शन। ओके, सो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जो आप अभी रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक उसमें हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, पैशन, इमोशन, अट्रैक्शन अपने पार्टनर के लिए। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ा ध्यान से बी अवेयर ऑफ टेम्पटेशन। ओके, सिंगल है या ऑब्वियसली फैमिली पर्सन भी है तो थोड़ा ध्यान से। मैरिज के लिए चांसेस अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए चांसेस अच्छे हैं, बट टेम्पटेशन थे, जैसे मैंने बोला ना कि कोई आपको रीच आउट कर रहा है, कोई पसंद कर रहा है, सो थोड़ा वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, या कई बार होता है ना थर्ड पार्टी एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा सा आपको बच के रहना है। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, सही फैसले लीजिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, वो भी आपके लिए अच्छा है। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंडशिप्स हैं जो एंड हो सकती हैं। ओके, और बाकी कुछ और हैं जो निखर सकती हैं, नो बिकम, इट कैन बिकम स्ट्रॉन्गर, इट मे बिकम गुड। सो आई थिंक ये ओवरऑल पीरियड एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए अच्छा है, सो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थिंग्स मे गेट गुड फॉर यू। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। ओके, और उस बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे करियर को लेके हो। चलिए, अब आपकी लव लाइफ की अगर बात करें स्कॉर्पियो, तो ओके, सो स्कॉर्पियो आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि इस पर्सन के पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं और ये आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और आपसे बात नहीं कर रहे, या कम्युनिकेशन कम हो रही है, गिविंग यू अ कोल्ड शोल्डर, और आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं नई शुरुआत, या हो सकता है कि आपके मन में फीलिंग्स हैं, आप बात करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू पर्सन, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फीलिंग बिट्रेड, आपको शायद हो सकता है कि आप मिस कर रहे हैं या बात कर, व्हाटएवर समथिंग इज़ देयर, मुझे लगता है यू वॉन्ट, आपके मन में वो जो फीलिंग्स हो रही हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से आप चाहते हैं। और आपके पार्टनर के बारे में बता चुकी हूँ, इनकी इंटेंशंस क्या है। देखिए, जस्टिस, दे वांट क्लियर, दे वांट क्लैरिटी, वट एवर इट इज़। कुछ के लिए हो सकता है कि ये इट्स लाइक अ केस गोइंग ऑन, सेपरेशन केस कुछ के लिए, ठीक है, मतलब दे वांट जस्टिस, न्याय, और हो सकता है कि इट्स अबाउट डिसीजन, कि हाँ फैसला एंड ऑल दैट। वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट कॉम्प्लिकेशन, फाइव ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, सो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फाइव ऑफ वॉन्ट्स इज बेसिकली कार्ड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग टॉक्सिक, मुझे ऐसा लगता है कि होल्डिंग ऑन टू समथिंग टॉक्सिक, और उस चीज़ को आपको पहले लेट गो करना है। डेविल एनर्जी आ रही है, सो मे बी हो सकता है रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या हो सकता है आप किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रिजिस्ट कर रहे हैं, उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो, इट्स अबाउट शायद हो सकता है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको बात करना चाहिए, आपको चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। चलिए, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लव योर सेल्फ, एंजल्स कह रहे हैं कि खुद को प्यार कीजिए। समवन वियरिंग अ फॉल्स मास्क, ऑफकोर्स किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ, आपको पहचानने की ज़रूरत है। ओके, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए, किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, खुद को टाइम दीजिए, खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए। न्यू लव, स्पेशली कुछ लोग जो हो सकते हैं, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपको पता है तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो एंजल्स कह रहे हैं पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये कह रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी न्यू। रिलीज योर एक्स का कार्ड है, तो पहले पुरानी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है और लेट गो करना है, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से हो। योर लव लाइफ इज सेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, तो ये एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं तभी आपकी लाइफ में आप एक सही डायरेक्शन में पहुंच पाते हैं, ठीक है, अगर चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करें, मतलब पहले आपको चीज़ों को डील करना है,
हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चैप्टर है जहाँ आपको स्पेशली थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए और देखते हैं। अब टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स कि करियर वाइज स्कॉर्पियो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक सम अपॉर्चुनिटी में कम, मुझे लगता है कि आप होप छोड़ रहे हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू सुपर फास्ट। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या हो सकता है कि कुछ नया आपके लिए वेट कर रहा है। अपनी फॉलो कीजिए इंट्यूशन को। चेंज इन करियर एंड इन्वेस्टमेंट, सो करियर में और इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इस सेक्टर में चेंज आ सकता है, गुड चेंज ऑफ कोर्स। तो अगेन टाइम थोड़ा सा लीजिए एंड स्टेबिलिटी। मुझे लगता है कि अब इट्स अ गुड टाइम टू ले द फाउंडेशन। आपके ऊपर बर्डन है, आपके ऊपर प्रेशर्स हैं, इन प्रेशर्स को रिलीज़ कीजिए। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हैं, कैन यू सी द कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, समथिंग ग्रोइंग, कुछ अच्छा ग्रो होने वाला है, कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे लग रहा है यू नो लाइक किसी बिजनेस में, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो आपके लिए फेवरेबल हो रही है। और क्या चाहिए भाई, अच्छा है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो के लिए, और क्या है। सो येस, आई वॉज टेलिंग इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी टू सेव मनी, तो उसको गवाइए मत। वाओ, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, तो आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग ग्रेट। ये रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है कि गिव इट अ टाइम। कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, मैरिज, दिस एंड दैट, उसके लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम है। स्टेप फॉरवर्ड तो खुद को ही करना है, डिसीजन तो खुद को ही लेना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने अंदर की फीलिंग को फॉलो कीजिए कि वो आपको क्या समझा रही है, किस डायरेक्शन, क्योंकि ये वो जो आपको समझा रही है वो सही डायरेक्शन की तरफ समझा रही है। विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, तो अगर सब कुछ दिख रहा है और दिखने के बावजूद भी अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके स्कॉर्पियो, चलिए और देखते हैं। तो कुछ नई फ्रेंडशिप जुड़ सकती हैं, पुरानी कुछ छूट सकती हैं, तो जो नई बन सकती हैं वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, गहरी हो सकती हैं। तो पुरानी चीज़, मैं ये नहीं कह रही पुराने रिलेशनशिप को आप लेट गो कर दो, इट्स अबाउट डेप्थ। देखिए कि कितना रिलेशनशिप में वो है ना, आप तेल देखिए और तेल की धार देखिए, वो चीज़ होगी कि आप देखिए उसमें डेप्थ कितना है, उस रिलेशनशिप में कितना पोटेंशियल है, लेट गो। और अगर आपको लगता है कि इट्स टॉक्सिक, तो फिर लेट गो, क्योंकि पहला ही गाइडेंस में लेटिंग गो का है, यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। मुझे लगता है आपके स्ट्रेस्ड हैं आप बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ है जो आपको नचा रही है, कोई चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। सेवन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, सो आई थिंक इट्स अबाउट रेजिस्टेंस, यू आर रेजिस्टिंग टू समथिंग। किसी चीज़ को जैसे आप रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट का मतलब होता है कि अवॉइड, उसको हील करने की बजाय आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। नो, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नथिंगनेस। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। ये चीज़ आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। इंटेंसिटी अगेन, सो एक्शन इज नीडेड। मुझे लगता है देर इज़ लाइक एक्शन शुड बी टेकन, एंड मोर ओवर यू आर नॉट एबल टू टेक इट। तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ एंजल्स आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? ओके, सो वील टेक वन कार्ड। फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो आपकी जो खुशी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, सो यू डोंट हैव टू लुक टू पीपल। खुद की तरफ देखिए, बिकॉज यही एक तरीका है। जब आप खुद को खुश रखेंगे, एक्सेप्टेंस में आएंगे, तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। ओके, और एंड मोर ओवर यू हैव एवरीथिंग टू कीप योर सेल्फ हैप्पी। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो हर चीज़ में खुशी को देखना, हर चीज़ में प्यार को देखना, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। दैट एवरीथिंग शुड बी डन इन लव, और वही सबसे अच्छी चीज़ है। और सीइंग द गुड थिंग इन एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ में, हर पर्सन में, हर एस्पेक्ट में आप ये सोचिए कि कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।